दूती दूती दे दे दे। दूती 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 बीते वर्ष परम ज्योति प्रकाश पुस्तक का विवेचन हुआ था उस वर्ष मैं नहीं आ पाया था दोनों पुस्तकों के नाम बहुत अच्छे हैं और हम लोग ये कहते हैं यथा नामा तथा गुणा हमारे यहां नाम पहले उसकी प्रकृति को देखकर ही रखे जाते थे जैसे महर्षि दयानंद ने एक पुस्तक का नाम रखा है सत्यार्थ प्रकाश इसी तरह एक पुस्तक संत काली कमली वाले थे उन्होंने उस पुस्तक का नाम रखा था पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश ग्रंथों के नाम गुण के अनुसार रखे जाते हैं या उससे लाभान्वित व्यक्तियों के नाम से भी रखे जाते हैं जैसे च्यवनप्रास नाम च्यवन ऋषि ने खाया था इसलिए उनके नाम से ही उसका नाम च्यवन रख दिया ऐसे ही कई दवाइयां जिस रोग में काम आती हैं उसका नाम रख देते हैं जैसे दद्रुनाशक दर्द नाशक या और कोई तो ऐसे ही इस पुस्तक का नाम परम ज्योति ज्ञान है पहले परम ज्योति प्रकाश दूसरी का नाम परम ज्योति ज्ञान उसका भी थोड़ा भाव है परम ज्योति जिससे प्रकाशित हो जाए जिन वाक्यों से वचनों से छिपी हुई गुढ़ो आत्मा न दे, ये आत्मा छिपा हुआ है स्पष्ट नहीं होता है तो ऐसे वचन ऐसे वाक्य ऐसे शब्द हो जिससे परम ज्योति का प्रकाश हो जाए स्पष्ट हो जाए जो हमें हमें प्राप्त हो अभी आप ये भी सुन रहे थे वासुदेव सर्वमिति समाहमा सुदुर्लभा परमात्मा दुर्लभ है ही नहीं सच तो कहें दुर्लभ क्या सुलभ क्या सुलभ भी जो सहजता से प्राप्त हो वो सुलभ होता है कठिनता से प्राप्त हो दुर्लभ होता है प्राप्त ही हो तो न दुर्लभ है न सुलभ है उस प्राप्त की भी प्राप्ति वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुर्लभ सब में जिसको परमात्मा प्राप्त दिखता है जिसको प्राप्त का पता है प्राप्त करना भी नहीं ऐसे संत दुर्लभ हैं क्योंकि उनके बिना प्राप्त भी प्राप्त नहीं होता और सब लोग अप्राप्त को प्राप्त कराते हैं दुर्लभ को प्राप्त कराते हैं यह सुलभ से ही बिल्कुल नजदीक उसको प्राप्त कराते हैं असल में संत प्राप्त जो सबको प्राप्त है ये फिर भी नहीं मिल रहा पता ही नहीं चल रहा लाभ नहीं हो रहा जैसे स्वास्थ्य भी प्रकृति से सुलभ है प्रकृति से ही स्वस्थ हम पैदा हुए कोई बीमार थोड़ी जन्मे हम सब स्वस्थ ही हैं आप स्वस्थ होते नहीं बीमार होते हो शायद ध्यान नहीं जाता बीमार होते हैं कोई ना कोई गलती से गलत खाने से मिथ्या आचार विहार से बीमार होते हैं स्वस्थ तो हम होते ही हैं होने की क्या जरूरत ऐसा जो स्वभाव सिद्ध मेरा स्व है उसकी प्राप्ति भी जिन बचनों से होती है उन्हीं का नाम है परम ज्योति ज्ञान और एक बात तो आपको माननी पड़ेगी जैसे बाह्य वस्तुएं बिना किसी प्रकाश के पता ही नहीं चलती अभी आप सब दिख रहे हो रात होती तो रात होती और बिजली भी ना होती फिर नजरें ही ना आते तो कोई वस्तु प्रकाशित होती है ज्ञान होता है तो उसको रोशनी चाहिए रोशनी इसका मतलब बिना रोशनी के कुछ नहीं पता चलता तो जिस रोशनी से स्वप्न देखे जाते हैं उसको तो ये इंद्रियां भी नहीं चाहिए इसलिए स्वप्नों को हम लोग क्या बोलते हैं सूर्य भाष्य नहीं इंद्रिय भाष्य नहीं मनोभाष्य नहीं साक्षी भाष्य अर्थात परमात्मा ही जिसे प्रकाशता है बाहर की चीजों के लिए यद्यपि परमात्मा के बिना कोई चीज प्रकाशित नहीं होती जरा ध्यान रखें बिना परमात्मा के ये आत्मा के हम भी नहीं दिखते ये दीवारें भी नहीं दिखती पर साक्षात यह पंडाल परमात्मा से प्रकाशित नहीं है साक्षात नहीं प्रकाशित जैसे आग को हम हाथ से नहीं पकड़ते चिमटे से पकड़ते हैं डायरेक्ट हाथ से नहीं पकड़ते सीधा हाथ से नहीं पकड़ते पर सच ये है कि चिमटा अकेले कभी आग को इसलिए पकड़ते तो हम ही हैं, आग के पकड़ने वाले हम ही हैं पर हम बुद्धिमान है हाथ से नहीं पकड़ते चिमटे से पकड़ते परमात्मा भी यद्यपि सब जगत के प्रकाशक सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई सबके प्रकाशक सबके जो कुछ भी आज तक पता चला है यहां तक अज्ञानता तक इसके भी प्रकाशक राम हैं पर सीधा नहीं इस दृश्य को प्रकाशित करने के लिए परमात्मा ने मन और इंद्रियां साथ में ली ये जो दिखाई पड़ता है जम्मू कश्मीर नवनाथ अखंड परम धाम और ये जो सभा नजर आती है केवल परमात्मा ही यद्यपि प्रकाशक है पर आपके आंखें भी हैं कान भी हैं, देह भी है मन भी है नहीं हम ना पता चलते अभी इनमें से केवल आंखें सो जावे तो जगत दिखना बंद मन सो जावे तो शरीर का पता नहीं बुद्धि सो जावे आ तो और कुछ नहीं दिखे तो सबके प्रकाशक राम हैं ये दोनों बातें समझनी है सबका प्रकाशक आत्मा या राम है पर आपके अंदर प्रश्न होगा कि हम तो नींद में भी थे हमें नवनाथ क्यों नहीं दिखा अखंड परम धाम क्यों नहीं नजर आया परमात्मा था आप मौजूद थे मरे नहीं थे पर आपके पास कुछ चीजें नहीं थी इसलिए साक्षात माने डायरेक्ट डायरेक्ट जगत राम को नहीं दिखता परमात्मा को नहीं दिखता आत्मा को नहीं दिखता वो परंपरा से पर कुछ चीजें डायरेक्ट देखता है कुछ को परमात्मा स्वप्नों को अंतकरण को अहंकार को इनको साक्षात चैतन्य परमात्मा ही प्रकाशित करता है स्वप्नों को प्रकाशित करने को आंख नहीं चाहिए ये देह नहीं चाहिए इंद्रियां नहीं चाहिए बुद्धि का इसलिए बुद्धि साक्षिणम विद्धि परमात्मा को बुद्धि का साक्षी कहा है बुद्धि के साक्षी होने के लिए आंखें नहीं चाहिए अंधे आदमी को अपने मन की समस्याएं चिंताएं मालूम पड़ती हैं कि नहीं जिनके आंखें नहीं है उनको कोई दुख तो नहीं होता बोलो तो दुख कैसे देखते सब कुछ आंखों से थोड़ी देखते हैं। मन आपका नहीं लगता मन में ईर्षा आ गई जलने लगे मन में किसी से नफरत है घृणा हो रही है किसी को देख करके अंदर आग लगी है आंखों ने तो वो बाहर देखा अंदर जो आग लगी है उसका पता चलता है कि नहीं बहुत अच्छा होता है यदि अंदर का पता ना चलता यदि अंदर का पता न चलता तो समस्या ही कोई ना होती नहीं समझ में आ, इसलिए, आ एक तो परम ज्योति कौन है ज्योतिषाम अपी ज्योति सीधा सीधा नेत्र से रूप दिखता है पर यह ज्योति है इंद्रियां ज्योति हैं, बिल्कुल है यदि ये ज्योति ना होती तो दिखता भी नहीं आंख हटा लें तो परम ज्योति रहेगी आत्मा रहेगी दिखेगा नहीं कान हटा लें तो सुनाई नहीं देगा नहीं तो बहुत अच्छा होता फिर इन ज्योतियों की जरूरत ही न पड़ती व्यवहार में भी और यदि इनसे सीधा दिख जाता तो परम ज्योति का हम आचार ना डालते समझ में आया क्या जरूरत परम ज्योति की यदि इंद्रियों से ही दिख जाता पर बुद्धू लोग इन्हीं को ज्योति मान बैठे परम ज्योति का पता ही नहीं वो तो है परम ज्योति तो है पर परम ज्योति की महत्ता को नहीं समझते इसलिए परम ज्योति का प्रकाश इंद्रियों के प्रकाश से हम परिचित हैं इंद्रियों का रोज प्रयोग करते हैं मनस ज्योति का भी होता है कहीं ना कहीं मन जाता रहता है और उसका पता चलता है यदि पीठ में खुजली हो गहरी नींद में पता चलता है पीठ की खुजली का नहीं ना चलता और कपड़ा ठंडी में खिसक गया है पता ही नहीं चलता शरीर में लगने वाली ठंडी का पता चलता है मनस ज्योति से जब जाग जाते हैं तो पता चलता है कौन जाग जाता है मन इसलिए रामायण की चौपाई पहले भी बोले तो विषय करण सुर जीव समेता सकल एक एक सचेता एक से एक ज्यादा चेतन ज्यादा ऊंचे विषयकरण विषय भी चेतन है विषय में भी चेतन है यदि जरा भी आग लकड़ी में ना हो तो कोई वैज्ञानिक लकड़ी में आग नहीं लगा सकता आग लगने का कारण यह है कि उसमें भी विद्यमान है तुम्हारी थोड़ी विशेष है विशेष वाली लगा दी तो समान वाली जल गई इसलिए विषय में भी चेतन रहता है विषय चेतन इंद्रिय चेतन विषय में भी चेतन है इसलिए विषय चेतन है पर विषय चेतन से ज्यादा चेतन इंद्रियां हैं, करण विषय करण सुर जीव समेता जीव भी यदि जीव ना हो देखो परमात्मा बना रहे मुर्दे में मुर्दे में परमात्मा भी निकल जाता है जो व्यापक है कैसे निकल जाएगा भले तुम्हें समझ नहीं आता कई लोग समझाते हैं कि एक में जीरो लगाओ दस एक जीरो लगाओ सौ एक जीरो लगाओ हजार एक लगाओ दस हजार और लोग समझाने के लिए कहते हैं यदि एक निकाल लो तो कहते हैं सब जीरो वो बताते हैं और कहते हैं जब परमात्मा निकल जाएगा तो सब जीरो ऐसा नहीं है अभी तो हम जीव को कहते हैं सिर्फ जीव निकल जाए परमात्मा तो निकालने वाला कोई है ही नहीं परमात्मा को निकाल के बाहर करने वाला यमराज भी नहीं यमराज तो जीव को ही घसीट ले जाता है जीव को निकालता है परमात्मा को यमराज ले जाएगा काल ले जाएगा अकाल पुरुष को महाकालेश्वर को इसलिए जीव समेता विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता शब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई जीव समेता एक से एक पर सब के प्रकाशक जीव नहीं जीव का भी कोई बाप है आभास का भी कोई प्रकाशक है विषय का इंद्रिया इंद्रियों का देवता असुर जीव।, जीव इनका प्रकाशक है जागा जीव देह सम प्रकाशित पर सबका प्रकाशक जीव नहीं विषय का इंद्रियों का है वो ना है तो नहीं लेकिन रामायण कहती है जीव का भी प्रकाशक आभास का भी प्रकाशक साक्षी सब कर परम प्रकाशक जोई परम प्रकाशक परम ज्योति अर्थात परम ज्योति कौन है ये जो बताए वो परम ज्योति प्रकाश अब ज्ञान क्या है प्रकाश कहने से एक भ्रम पैदा होता है, लगता है कोई लाइट होती होगी कई बुद्धू चक्कर में पड़ जाते हैं तो दूसरी पुस्तक और जरा अच्छी लग गई परम ज्योति ज्ञान अब ये ज्ञान जो है लालटेन में लगने वाला नहीं है ज्ञान सूर्य में लगने वाला नहीं है ज्ञान चेतन में ही हो सकता है जड़ रोशनी प्रकाशक तो कह भी देते हैं ये बिजली से प्रकाशित पर प्रकाश को मकानों का ज्ञान नहीं है आपके घर में लाइट होती तो लाइटें घर को देखती है ना लाइट से घर दिखता है लाइट को दिखता है ना कि घर है जब तुम चले जाओ ना तो रोशनी घर की देखरेख करती रहेगी रोशनी को, को कोई ज्ञान नहीं है इसलिए परम ज्योति ज्ञान जो परम ज्योति है वो ज्ञान ही है और जिसमें और जिस ज्ञान का अंत नहीं है आंख का देखने का अंत है इंद्रियों के तीन धर्म होते हैं पटुपना तेज दिखना खूब दिखना कम दिखना और एक होता है ना दिखना पटुपना मंदपना अंधपना अंधपना माने ना दिखना न दिखना नेत्र में होता है कभी किसी के कि नहीं और किसी के होता है तो हमें भी हो ही सकता है नहीं मौका मिला जल्दी चले गए बात अलग है नेत्र में खूब दिखना का, ऐसे ही कान में भी खूब सुनाई देता है फिर धीरे धीरे कम सुनाई देने लगता है हमारे कई हमारे प्रेमचंद जी भी कम सुनने लगे आज ये बाहर से दरवाजा खटखटा रहे थे भीतर से परम प्रकाश पूछ रहे थे बार बार, बार बार, बार बार। इसमें योग की कमी नहीं आएगी, चिंता मत करो। हाँ तुम सोचे हो अभ्यास इतना किया बेहरापन क्यों आ गया हम तो पहले से इससे भिन्न है कोई योगी नश्वर चीज को अविनाशी नहीं बना सकता और योग नाशी को अविनाशी बनाने का नाम नहीं है योग तो अविनाशी को अविनाशी पहचानने के लिए है तो इन्होंने सुना नहीं तो फिर दरवाजा खोला पहले तो कहते रहे भाई कौन है कौन है तो ये टाइम पूछने गए थे गवाही भी दे दू चैतन्य सिंधु का प्रवचन रखने के लिए उन्होंने ना कर दिया तो इन्हें अंदर की आवाज सुनाई नहीं पड़ी इसमें कौन हमारी बेच है बेच है क्या हाँ, हमने अभी आंखों का ऑपरेशन करा लिया ले आ, 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 हार्ट का थोड़ा कुछ हो गया धीरे धीरे सब होना ही है ये कोई हमारी निष्ठा में कोई बाधा है जो लोग समझे हैं कि ये नहीं होना चाहिए उनको गड़बड़ होने में ग्लानी होगी कि ले हम साधु हैं हमको कम दिखने लगा तो हमने कहा का करो डूब मर जाओ इंद्रियों के धर्म शरीर के धर्म जल्दी ना आए बात अलग है देर में आए हमारे गुरुदेव के उस अवस्था तक आंखें ठीक थी पढ़ लेते थे पढ़े नहीं थे पर पढ़ लेते थे कई लोग पढ़े तो हैं पर पढ़ने लायक नहीं रहे गुरुदेव के दांत तो कम थे पर जो थे पक्के थे हमारा तो सब कच्चा ही कच्चा है पक्का एक ही है जैसे कहते सब रंग कच्चा समरिया हमारा उसी का रंग पक्का है से श्याम रंग समरिया अच्छा तो देखो आ, ये ये हैं सब का, जैसे शरीर है इसमें भी वही है इंद्रियों की भी जवानी इंद्रियों का भी बुढ़ापा और इंद्रियों की भी मौत शरीर की जवानी आ शरीर की कमजोरी बुढ़ापा अब मैं एक पैर से कई बार उठता बैठता था एक पैर जमीन पर रखे बिना ऊपर ऐसे 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 ही लटक के कई बार ऐसे करते थे एक हमारे महात्मा पहले के पहलवान थे सच्ची बात है ये बिल्कुल झूठ नहीं पहलवान थे अब पर वो जब मुझे मिले बूढ़े से थे तो मैं एक पेड़ पे लटक के ऐसे ऐसे व्यायाम कर रहा था स्वाभाविक तो दस बार मैंने किया बिना जमीन में पैर रखे ऊपर ही ऊपर ये नहीं कि रख ले एको बार रखा नहीं जब दस बार किया तो कहते बस मेरे कहते बस मैंने कहा आप कहते आपसे तो ज्यादा ही करूंगा अब देखो अनुभव क्या कहे कितना पागल है अनुभव कितनी बुद्धूपना है आपको कई बार पहले के अनुभव दिमाग में बैठे रहते हैं वो झूठे नहीं थे बेईमान नहीं थे वो बोले कहते बस मैंने कहा आप कहना आपसे तो ज्यादा करेंगे तो लटक तो गए डाल पे झूठ नहीं बोला मैं लटक गए वो पर ऐसे ऐसे पैर करते रहे एक बार नहीं गए वो समझे थे मैं इनसे ज्यादा करूंगा क्योंकि वो कुश्ती लड़ने वाले पहलवान दिमाग वही था कभी अजमाया नहीं था और ऐसे मेरे गुरुदेव इनमें शायद कोई है ही नहीं पर मैं तो झूठ नहीं बोलता ना गुरुदेव कभी कभी चूंकि पहलवान थे बहुत स्वस्थ थे और बिल्कुल पेट नहीं बिल्कुल तो वो कभी कभी कहते थे तुम खुसरू खा बनते हो खुसरू खां की संतान हो वीर बनो धीर बनो ये बनो ऐसे दंड लगाओ बैठक लगाओ प्रवचन में कहते थे और फिर क्या कहते थे तुम मेरा हाथ पकड़ो मैं छुड़ा लूंगा अब मैं तुम्हारा पकड़ूं छुड़ा लो ऐसे कहते थे अब कोई वृद्ध महात्मा सिद्ध महात्मा योगी महात्मा का तो कोई क्यों कहेगा कि लाओ मैं पकड़ूं छुड़ाओ या कोई कहता कि मेरा पकड़ो हम छुड़ाते हैं तो मुझे पक्का है मैं हो सकता है कोई सिद्धि चमत्कार पर मेरा अपना विश्वास है कि, कि किसी का वो हाथ पकड़ते वो छुड़ा लेता और मैं ये दृढ़ता से कहता हूं कि वो किस वो उनका कोई पकड़ता तो शायद न छुड़ा पाते क्योंकि ये हड्डियां कमजोर हो जाती हैं ये टूट जाती है वो क्षमता नहीं रहती तो जो भी प्रकृति से बना है अब ध्यान रखना जो भी प्रकृति से बना है उसमें फर्क पड़ेगा यहां तक बुद्धि स्मृति में भी ये ब्रह्म ज्ञान बुद्धि के अधीन नहीं है ध्यान रखना नहीं तो बुढ़ापे में ब्रह्म ज्ञान भी कमजोर हो जाए इसलिए परम ज्योति ज्ञान जिस ज्योति में समय का परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसके विषय में ये पुस्तक लिखी है लेकिन जैसे गुरु ग्रंथ साहब को खोलते हैं ना खोलते हैं, प्रकाश करते हैं तो जो उस दिन का शब्द होता है वो उस दिन के लिए वो उस दिन के लिए गुरु का हुक्म मानते हैं तो जब इस पुस्तक को मैंने खोला पहले तो ऐसे खोला अब पहले से तो मुझे कुछ पता नहीं पर जब खुला तो मैंने पढ़ा और पढ़कर उसमें एक फूल रख लिया कि देखो इस पुस्तक का जो पहला मैंने पेज खोला पहला पेज नहीं पेज तो कोई है पेज तो है 222 सौ बाईस मैंने खोला तो तीन चीजें पढ़ी बड़े भाग पाइव सत्संगा ठीक है अब माने इसको सच मानना ये आपका हुक्मनामा हो गया बिना ही प्रयास होगा बड़े भाग से सत्संग मिलेगा और संसार बिना प्रयास के कुछ नहीं खत्म बिना ही प्रयास भाव भंगा, संसार खत्म जरा सा सत्संग मिला बड़े भाग्य से मिलता है मिले तो संसार सागर कुछ भी नहीं खत्म दूसरा पापवंत कर सहज स्वभाव सहज ही नेचर सहज ही स्वभाव उनका झुकाव ही नहीं समझ आए ना ये बात का मामला है पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर ही भाव न काओ मेरा भजन उनको अच्छा नहीं लगता मेरी चर्चा उन्हें ईश्वर की चर्चा करो तो जैसे उनको बुखार आ गया कई लोग तो अखबार और प्रचार माध्यमों से सिर्फ ईश्वर के विरोध में ही लिखते रहते हैं अब देखो जिसके विरोध में लिखते उसके अलावा काल के सामने टिकने वाला कुछ है नहीं और जिसकी अकड़ में फिरे हैं ना नास्तिक ये कहीं के नहीं रहने ये मूली के खेत हैं और सब पेड़ तो काटे जाते हैं जड़ रह जाती है ये मूली के खेत की जड़ भी नहीं रहती ठीक है और सबसे मजेदार आखिरी बात है सबके काम की अपि चेत सुदुराचारो भजते माम भाग साधुरे वश मंत्या सम्यक व्यवसित ही सह चाहे चाहे अब चेत सुदुराचारो चाहे बहुत दुराचारी क्यों ना हो कई बार हैं लोग या गुजरे हैं उससे यदि तुम अत्यंत दुराचारी हो पर भगवान कहते हैं, भजते माम भाग साधु रेव सम वह साधु ही मानने लायक है क्योंकि उसने भगवान की ओर मुंह मोड़ लिया है इसलिए हो ना कहना है ये फलाना साला ऐसा था ये धिमाका था और ये बड़ा दुष्ट था हम सब जानते हैं यूं करता था जब पढ़ता था पढ़ाता था यूं कह के निंदा मत करो यदि वो इधर मुड़ गया है तो साधु मानने लायक है साधुरे वो समन्तव्य सम्यको हिसाब शीघ्र ही उसका उद्धार हो जाएगा तो ये बात याद रखो कितनी गलतियां हो गई जाने दो भाड़ में आ, आ रास्ता बदलो इस रास्ते पे चल पड़ो तुम्हारा कल्याण होगा और उसी का अगला श्लोक है क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शश्व शांतिम निगछति और क्षिप्रम बहुत ही धर्मात्मा वो बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा देर नहीं लगेगी और पहले गलत रहा हो फिर मुड़े तो मुड़ता भी बड़ी तेजी से हाँ हमारे गुरु भाई थे आ, पचास पचास पान काते थे क्लबों में जाते थे और उस समय के बीए थे और रेलवे में एक आ, कोई निरीक्षक थे क्या थे हाँ हाँ और बाद में उनका द्वारका प्रसाद भार्गव नाम था गुरुदेव के यहां खुद नहीं आते थे ड्राइवर उनकी पत्नी को छोड़ने जाता था संतों से परहेज था अब एक दिन ड्राइवर को बुखार आ गया देखो भगवान जब बदलना चाहते हैं ना ड्राइवर को बुखार आ गया तब तो उस दिन खुद ही छोड़ने चले गए अब एक दिन छोड़कर चले आए दोबारा लेने गए दूसरे दिन फिर भी बुखार था तो फिर छोड़ने चले गए इतना अच्छे थे कि पत्नी को छोड़ने ही चले गए हाँ नहीं तो कह देते हैं जो नास्तिक है वो पत्नियों को भी नहीं जाने देते कुछ तो अच्छे थे ही पत्नी को छोड़ आए दूसरे दिन गए कि कौन दो चक्कर लगाएगा बैठ गए अब बैठ गए तो कोई ऐसी चर्चा अच्छी लगी गई, तो रोज जाने लगे अब पत्नी तो पत्नी ही रह गई वो फिर सन्यासी बन गए अब उनसे किसी ने एक बार पूछा तुम पहले कैसे थे क्या क्या किया कहने ये ना पूछो ये ये पूछो मेरे से क्या नहीं किया ऐसे और पचास पचास पान चबाते क्लबों में जाते पर बाद में भुने चने मुंह में डाल के फिराते रहते थे पान की जगह पान छोड़ दिए देखो जब नहीं छूटता तो लगता है क्या पता है ऐसे आदमी ने लगन थी तो पान के बजाय चने डाले रहते थे और सब कुछ छोड़ दिया और सन्यासी बने फिर उनका नाम स्वामी ब्रह्मानंद हो गया द्वारका प्रसाद भार्गव का नाम स्वामी ब्रह्मानंद हो गया तो देखो इधर जुड़ जाओ तो ये ज्ञान ज्योति प्रकाश का जो पेज खुला है ये सबके लिए है जो आए उनका संसार छूट जाएगा जो पापी हैं वो कहते हैं सहज आते नहीं हैं और शायद ये पढ़ के दुराचारी भी आ जाएंगे तो साधु बन जाएंगे शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा ऐसे ज्ञान से परिचित होना जिसमें कोई माध्यम नहीं है जिसका भी कोई माध्यम होगा देखो इस नोट को तुम देखते हो माध्यम कमजोर हो जाए तो नहीं दिखेगा माध्यम कमजोर हो जाए तो एक लाइन की दो लाइनें दिखने लगती हैं माध्यम कमजोर हो जाए तो जीरो का एट नजर आता है हाँ ये तो माध्यम कोई चाहे बुद्धि यदि आत्मा भी बुद्धि की ही अपेक्षा सदा रहेगी ये बात बड़ी गहरी है यदि बुद्धि द्वारा ही याद करना हो तो खतरा है ये ध्यान रखना इसलिए बुढ़ापे में बीमारी में मन और बुद्धि की स्थिति चेंज होने पर भी बाधा नहीं है ब्रह्म ज्ञान में यह ध्यान रखना ज्ञान नहीं समझ नहीं आई बात अलग है समझ आने के बाद बुद्धि की भी जरूरत नहीं और पहले भी कहा आज भी उसकी पुष्टि करूंगा कि कोई जज आपका केस जो चल रहा है कौन वकील कौन क्या तुम्हारा केस लड़ा गया है जज ने फैसला कर दिया और तुम उससे बरी हो गए मान लो जज मर जावे या सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का तो बाद में तुम्हारा फैसला रद्द हो जाएगा एक बार किसी संत के समीप बहस करके तर्क करके आ, अच्छी तरह श्रवण मनन निधिध्यासन करके अपरोक्ष का पता चल गया परोक्षानुभव तो बुद्धि की भी आवश्यकता नहीं रह जाती ये जो लोग कहते हैं फिर बुढ़ापे में क्या होगा कष्ट के समय क्या होगा मरते समय याद रहे ना रहे आवश्यकता नहीं है याद रहे बहुत अच्छी बात आपका फैसला करने के देने के बाद जज मर जाए बहुत जरूरी है ना मरे तो तो खतरा है क्या बना रहे बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारी बुद्धि सही सलामत बनी रहे पर ना रहे तो भी कोई बात नहीं क्यों साक्षी बुद्धि का है साक्षी अब देखो साक्षी कब तक रहेगा जब तक बुद्धि रहेगी अच्छा बुद्धि न रहने पर क्या होगा साक्षी नहीं रहेगा इसके दो अर्थ हैं फिर समझो साक्षी सुसुप्ति में भी रहता है साक्षी बुद्धि की जागृता अवस्था का और सुसुप्तावस्था का जागृत स्वपन सुसुप्ति है बुद्धि की अवस्था मैं बुद्धि से परे हूं याते सदा शिवोहम बुद्धि जागृत में है जागृत में मैं साक्षी हूं सोचते हो किससे बुद्धि से पर नहीं सोचो तो साक्षी नहीं जब ये पता चल गया कि सोचने पर साक्षी निर्भर नहीं है क्योंकि सोच का साक्षी है सच तो ये है जब आपको भ्रम था उस भ्रम का भी साक्षी वही था अब उसकी कोई बात नहीं रही इसलिए साक्षी के ज्ञान के बाद बुद्धि की आवश्यकता नहीं है रहे ना रहे सो जाए ये बात नहीं है कि यदि सो जाओगे तो दोबारा साक्षी के लिए आपको कोई और गुरु बनाना पड़ेगा ऐसा नहीं है इसलिए स्वरूप बोध के बाद इसकी आवश्यकता नहीं रहती और भी इसको क्लियर करना चाहूँगा मैं विस्मृति हो गई याद न रही तो याद ना रही याद किसकी नहीं रहती जिसका संस्कार पड़ता है जिसका ज्ञान होता है मुझे अपना ज्ञान हुआ ही नहीं अब बात जरा समझे मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ आत्मा ज्ञान का विषय नहीं बना आत्मा ज्ञान का विषय जानने में नहीं आया आत्मा ने तो जाना जो जानने में आया यहां तक ब्रह्माकार वृत्ति का भी साक्षी में असंसाराकार वृत्ति का तो साक्षी तो अन्य का भी है और ब्रह्माकार वृत्ति का भी है जब ये पता चल गया कि मैं ज्ञान का विषय ही नहीं हूँ मैं ब्रह्माकार वृत्ति हुई है मैं थोड़ा ब्रह्माकार हुआ मैं तो पहले ही से ब्रह्मा हूं इसलिए ज्ञान के बाद में वृत्ति की आवश्यकता नहीं रहती इसलिए आ, नहीं तो हमारी नहीं रहे देखो हमारी चौबीसों अच्छा हमारी गहरी नींद में तो ब्रह्माकार वृत्ति रहती होगी नींद में जब देहाकार वृत्ति नहीं रहती अन्य कोई वृत्तियां नहीं रहती तो मैं ब्रह्मा हूं ये वृत्ति कैसे रहेगी वृत्ति तो अंतःकरण की है वृत्ति तो बुद्धि की है वो वृत्ति नश्वर है न रहने वाली चीज है इसलिए ज्ञानी को पहले ही पता चल गया कि कोई कोई मरे कोई जीवे और भी एक चीज बोला करते हैं मुई सूरत बाद अहंकार सूरत मुर्ग मर गई और अहंकार का बाद हुआ, वो ना हुआ, वो नहीं मरता जो जाननहार है जो सबका साक्षी है जाननहार माने साक्षी इसलिए आप सब धीरे धीरे इस सत्य को समझेंगे और कोई रास्ता नहीं है अंत में फिर एक बात कहकर समाप्त करें सब कुछ करिए सब चीज का लाभ है अभी आप सुन रहे थे ना कर्म उपासना ज्ञान सबका लाभ है जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक और ज्ञान के बाद भी सबका लाभ है पर वो लाभ तुम्हारा नहीं है व्यवहारिक है लाभ भी व्यवहारिक हमें आ, और अभी बहुत अच्छी बात चल रही थी आ, कौन सी आ, शास्त्री जी ने बताई ना पिता पुत्र से क्या चाहता है मैं सोचता रहा अपने लिए कि गुरु चेलों से क्या चाहता है तो सच बता दूं, जो जो पिता ने तो जो जो बताया था एक ने बताया कि धन चाहता है तो पिता धन भी चाहता है अब देखो क्रम है उसका धन भी चाहता है पर धन से ज्यादा पिता क्या चाहता है सुख चाहता है ज्यादा सुख चाहता है और सुख भी देता है कलंक करा ले रोज सेवा करता है पैर दबाता है रुपया भी देता है घर भी बनाता है और उसकी बेज्जती हो पिता की बेटे के कारण यश तो देखो धन भी चाहता है पर धन से ज्यादा सुख चाहता है सुख भी चाहता है पर उससे ज्यादा यश चाहता है ठीक है तो मैंने भी देखा कि मैं तो चेलों से सब कुछ चाहता हूं हाँ समझे ना हाँ और फिर सबसे ज्यादा अब चौथी बात मैं और कह दू क्योंकि पिता का मामला नहीं है गुरु का है तो मैं चाहता हूं जिसकी भ्रांतियां निकल गई हैं ऐसा शिष्य मैं चाहता हूं ध्यान लगता है उसे भी चाहता हूं जो भजन में बैठता है उसे भी चाहता हूं जो योगासन करता है मैं बहुत खुश हूं जो प्रचार करता है कई प्रचार तो बिना समझे कर रहे हैं। हाँ प्रचार करने के लिए तो अपनी दुकान चलानी है तो चलाएगा करेगा तो प्रचार करने वाला भी मुझे पसंद है मेरा क्या घाटा अच्छा है पर सबसे ज्यादा मुझे प्रिय है जैसा कि शास्त्री जी ने ही कहा कि मैं जिसको मेरी जैसी समझ क्लियर हो गई मैंने ध्यान किया समाधि की सब चली गई समाधियां गई ध्यान गया उजेला गया अंधेरा गया कुंडलनी गई सब सब चले गए अब तो भ्रम निकल गया अब बस जो सच है समझ में आ गया ओम शांति शांति